अस्सलाम वालेकुम डायलॉग विद हिस्ट्री के साथ मैं हूँ आयशा नूर नाजरीन हम वक्तन फ़वता तारीख के मुख्तलिफ़ चैप्टर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स क्योंकि आज का वाक़ कल के लिए तारीख है सर पानामा वाला मामला जमूत का शिकार हो चुका है आप इस बारे में क्या कहेंगे मैं नहीं समझता कि जमूत का शिकार हो चुका है और अगर किसी हद तक हो भी चुका है तो इसमें हिद्दत इसमें हरारत आने वाली है ये कोई इतना छोटा केस नहीं है बाजा केसेस इतने छोटे लगते हैं आपको इतने छोटे महसूस होते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार इतने छोटे से केस पर किसी की कैसे पकड़ हो सकती है मैं रेफरेंस अपनी हिस्ट्री में से दूंगा भुट्टो का केस भुट्टो साहब के ऊपर बेशुमार बड़े बड़े लातदाद इल्ज़ाम थे ये सबसे कमज़ोर इल्ज़ाम था लेकिन आपको फिर अनजाम का पता है कि केस कहाँ से कहाँ गया मैं समझता हूँ कि करीब पैनामा का मामला सर उठाएगा और इसलिए उठाएगा कि पाकिस्तान की अदलिया के पास पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट के पास पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के पास इंटेलिजेंसिया के पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिडीम करने की और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी बिगनिंग का आगाज होने वाला है ये बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान के जसद कौमी को सरतान डायग्नोज हो चुका है और ये सरतान है करप्शन का सरतान एक बीमारी है और उस बीमारी में जैसे कहते ना हाथी के पाँव में सब का पाँव वो एक बीमारी हज़ार बीमारियों के मुतरद होती है इट्स नेवर टू लेट पाकिस्तान के इस कैंसर का इलाज होगा और इलाज करने के लिए इरेडिकेशन होगी इसके कीमो करें इसको लेज़र करें इसकी सर्जरी करें जो भी करें ये दवाइयों के साथ ठीक नहीं होगा को मेजर स्टेप लेना पड़ेगा और मेजर स्टेप ये लोग नहीं ले सकते जो इस वक्त मदारुल महाम है इदारों के सरबरा और सबसे बड़ा इदारा हुकूमत है इसको मक रेकिंग कहते हैं दुनिया की तारीख मक रेकिंग से भरी पड़ी अमरीका की तारीख पढ़कर देखें मक रेकिंग का आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा एक उनवान मिलेगा जिस तरह अस्तबल में गोबर साफ़ होता है गलाजत साफ होती है उसी तरह आपकी हुकूमत सियासत माशरत हर चीज़ में घुसा हुआ ये कैंसर ये साफ़ होगा चुनाचे आप जो जो पूछती हैं ना कि जमूद का शिकार है जमूद का शिकार मैं इसको लल बिफोर स्टॉम कह रहा हूँ एक मेजर स्टॉम रस्ते में है आपको शायद नज़र नहीं आ रहा या मेरे जैसे पागल बेवकूफ़ जो हैं वो खाम खा किसी आने वाले स्टॉम को देख रहे हैं या मेरी खुश ख्याली है यह मेरी विशफुल थिंकिंग है कि या अल्लाह कोई ऐसी इरेडिकेशन शुरू हो जाए इसको इस, इस करप्शन को मेरी मैं खुदा को हजर नाजर जानकर कहता हूं कि मेरी किसी के साथ कोई प्रखाश किसी के साथ ना पसंदीद की नहीं आप हैरान होंगी कि आसिफ जरदारी मुझे आज भी अपना छोटा भाई समझता नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की मैं दिल से इज्जत करता हूँ क्योंकि वो मुझसे उम्र में भी बढ़े हैं और मेरा चंद अच्छे दिन उनके साथ गुजरे हैं। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी ये मैं किसी दिन इसके ऊपर एक मुझे सवाल कीजिएगा कि नवाज शरीफ के साथ हुआ क्या वो क्या ऐसा कर बैठा है कि उसकी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही ये सियासी कम और रूहानी बात ज़्यादा है एक दिलचस्प बात होगी इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तु करेंगे और आखिर में मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो लाहौर में कल साना हुआ है ये भी करप्शन ही का शाखसाना है अब पूछेंगे आप क्या इसी कैंसर का शाखसाना है कैंसर क्या करता है आपको आपके जिसम को क्या करता है कमज़ोर कर देता है ना आपकी रियासत कमज़ोर हो जाती है आपके इदारे कमज़ोर हो जाते हैं जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो फिर इस तरह के अनासर सर उठाते हैं और आपकी कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं